तो अलजेब्रिक फॉर्मूला में आज हम अलजेब्रा का जो फोर्थ फॉर्मूला है उसे प्रूफ कर रहे थे, जहाँ पे जो फॉर्मूला है वो है a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab। तो यहाँ पे हम राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड को प्रूफ करेंगे। तो राइट हैंड साइड में जो वैल्यू दिया गया था a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab, माइनस 4ab जैसा था वैसा रहेगा, और a प्लस बी होल स्क्वायर को हम वर्कशॉप कैलकुलेशन में आज हम अलजेब्रिक फॉर्मूला के बारे में डिस्कशन करेंगे, साथ ही साथ अलजेब्रा का जो फोर्थ फॉर्मूला है उसे प्रूफ करेंगे। सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द टेक्निकल ट्यूटोरियल आशुतोष आर्किटेक्चर विथ योर होस्ट एस बी जेड ए नाथ, अ स्टेप अहेड फ्रॉम इमेजिनेशन। अगर आप इस चैनल को पहले बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन में ऑल ऑप्शंस को क्लिक कर दीजिए, साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। तो अलजेब्रिक फॉर्मूला में आज हम अलजेब्रा का जो फोर्थ फॉर्मूला है उसे प्रूफ करेंगे, जहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड का जो वैल्यू है वो है a माइनस बी होल स्क्वायर, और राइट हैंड साइड में जो वैल्यू दिया गया है वो है a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड से प्रूफ करते हैं तो ये वैल्यू हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पे हमें राइट हैंड साइड से प्रूफ करना है, यानी कि राइट हैंड साइड में जो वैल्यू दिया गया है उसे स्प्लिट करेंगे और इसके बाद हम लेफ्ट हैंड साइड को प्रूफ करेंगे, या फिर लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के साथ इक्वलाइज कर पाएंगे। तो यहाँ पे राइट हैंड साइड में जो वैल्यू दिया गया है वो है a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab। तो यहाँ पे हम राइट हैंड साइड का जो पहला टर्म है a प्लस बी होल स्क्वायर, इससे हम स्प्लिट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, और इसके बाद लेफ्ट हैंड साइड का जो वैल्यू है उसके साथ इक्वलाइज करेंगे। राइट हैंड साइड में जो पहला टर्म है a प्लस बी होल स्क्वायर, उसका डायरेक्ट वैल्यू होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, लेकिन यहाँ पे हम स्टेप वाइज इस फॉर्मूला को प्रूफ करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो पहला टर्म है उसे स्प्लिट करेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा a प्लस बी होल इंटू ए प्लस बी, ठीक है, ये जो पहला टर्म है उसे हम स्प्लिट कर लिए, ठीक है, माइनस 4ab जैसा था वैसा रहेगा, ठीक है। उसके बाद हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि a को a प्लस बी के साथ, b को a प्लस बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब हम ये जो स्टेप है उसे दोबारा स्प्लिट करेंगे, कैसे, देखिए a को मल्टीप्लाई करेंगे a प्लस बी के साथ प्लस b, यानी कि ये जो टर्म है इससे मल्टीप्लाई करेंगे a प्लस बी के साथ, ठीक है, और माइनस 4ab जैसा था वैसा रखेंगे। उसके बाद इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे करेंगे, a को a प्लस बी के साथ और b को a प्लस बी के साथ, तो ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4ab जैसा था वैसा रहेगा। तो अलजेब्रिक फॉर्मूला में आज हम अलजेब्रा से जुड़े जो फोर्थ फॉर्मूला है उसे प्रूफ कर रहे हैं, लेकिन अलजेब्रा का जो 10th फॉर्मूला है उससे जुड़े कंप्लीट वीडियो आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ पे अलजेब्रिक फॉर्मूला का कंप्लीट प्लेलिस्ट दिया गया है। जैसे जैसे एक एक वीडियो अपलोड होते जाएगा वैसे वैसे एक एक वीडियो प्लेलिस्ट में भी ऑन हो जाएगा या फिर पब्लिक हो जाएगा। अगर आपको अलजेब्रिक फॉर्मूला का इस एपिसोड से कुछ नॉलेज मिल रहा है तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ वर्कशॉप कैलकुलेशन से जुड़े नॉलेजेबल वीडियो के बारे में जानने के लिए आशुतोष आर्किटेक्चर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो अब चलिए व्हाइट बोर्ड की तरफ, जहाँ पे हम राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के साथ प्रूफ करेंगे। तो यहाँ पे ये जो पहला टर्म है ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ब्रैकेट को हटा लेते हैं, माइनस 4ab जैसा था वैसा है, कोई चेंज नहीं है, ठीक है, ये जो पहला टर्म है उसे ही बस हम स्प्लिट करके एक फॉर्म में कन्वर्ट किए, जिसके बाद हम ये जो दो टर्म होगा वहां से हम सॉल्व करने के बाद
लेफ्ट हैंड साइड को प्रूफ कर पाएंगे। तो ये तो सिमिलर टर्म है, तो अब ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस माइनस माइनस होगा, साइन किसका बड़ा है, माइनस का, माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। और ये जो फॉर्मूला है वो किसका फॉर्मूला है, ए माइनस बी होल स्क्वायर। तो अलजेब्रिक फॉर्मूला में आज हम अलजेब्रा का जो फोर्थ फॉर्मूला है उसे प्रूफ कर रहे थे, जहाँ पे जो फॉर्मूला है वो है ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस फोर ए बी। तो यहाँ पे हम राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड को प्रूफ करेंगे। तो राइट हैंड साइड में जो वैल्यू दिया गया था ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस फोर ए बी, माइनस फोर ए बी जैसा था वैसा रहेगा, और ए प्लस बी होल स्क्वायर को हम स्प्लिट करेंगे। आप चाहें तो डायरेक्टली भी पुट कर पाएंगे, या फिर अगर आप चाहेंगे तो स्टेप वाइज भी समझ पाएंगे। अगर आप इसे डायरेक्टली कन्वर्ट करते हैं तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगर आप इसे स्टेप वाइज जानना चाहते हैं तो ये है वो स्टेप वाइज एक्सप्लेनेशन जिसके माध्यम से हम ए प्लस बी स्क्वायर को स्प्लिट किए थे, और जहाँ पे हम टू ए बी फोर ए बी इसको हम आखिरी में सॉल्व किए, जहाँ पे ये जो वैल्यू है वो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, जो किसका फॉर्मूला है ए माइनस बी होल स्क्वायर, यानी कि ये अलजेब्रा का जो सेकेंड फॉर्मूला है उसका वैल्यू है। तो यहाँ पे आर एच एस में जो वैल्यू दिया गया था उसे हम सक्सेसली लेफ्ट हैंड साइड के साथ प्रूफ किए, हेंस आर एच एस इज इक्वल टू एल एच एस। अगर आपको अलजेब्रा से जुड़े ये जो फॉर्मूला है इससे कुछ नॉलेज मिला है तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। ओके फ्रेंड्स, टाइम्स टू एंड अप वर्कशॉप कैलकुलेशन ऑन अलजेब्रिक फॉर्मूला फॉर आईटीआई ट्रेनीज। फॉर नॉलेजेबल वीडियोज रिलेटेड विथ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल वर्क, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कॉम्पिटिटिव ट्यूटोरियल, जीके मॉडल पेपर्स एंड ब्लॉग, यू कैन चेक द लिंक इन डिस्क्रिप्शन। एंड फॉर मोर वीडियोज यू कैन क्लिक ऑन आईकार्स एंड ऑल्सो वॉच दीज सजेशन वीडियोज। टिल देन सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर आशुतोष आर्किटेक्चर, एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक द ऑल ऑप्शंस ऑफ द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस अनदर लेटेस्ट अपडेट रिलेटेड विथ अलजेब्रिक फॉर्मूला। थैंक यू।